प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादुई मछली की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। मछुआरे का नाम था केशव दास। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन भर मेहनत करता, तब जाकर उसे एक वक्त का खाना मिलता था। एक दिन मछुआरा रोज की तरह मछलियां पकड़ने नदी में जा रहा था। तभी नदी के पास छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में लताओं के बीच एक छोटी मछली फंस गई थी और पानी के अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने मछुआरे को देखकर पुकारा और कहा, मछुआरे, ओ मछुआरे, जरा इधर तो आ। केशव दास ने इधर देखा उधर देखा, अरे अचानक से उसकी नजर पड़ती है और कहता है, क्या है? मछली कहती है, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दोगे? मछुआरे ने लता से उसको अलग कर दिया और मछली को पानी में छोड़ दी और मछली खूब पानी में तैरते हुए चली गई। कुछ दिनों बाद उस मछली ने फिर से मछुआरे को आवाज दी और कहा, मछुआरे, ओ मछुआरे। तभी केशव दास उसके पास गया और फिर बोला, क्या है मछली? तब मछली बोली, मैं तेरी तरह चल तो नहीं सकती, क्या तुम मुझे बड़ी नदी में छोड़ दोगे? तो मछुआरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह एक बड़ा सा टब ले आया और उसमें पानी डालकर मछली को उसमें रखकर नदी में छोड़ आया। मछली खुश होकर तैरने लगी और कुछ दिन बाद उस मछली ने मछुआरे को फिर से आवाज लगाई, ओ मछुआरे, ओ मछुआरे, तू रोज यहाँ आकर मेरे साथ बातें किया कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुआरे ने मछली से कहा, ठीक है, और मछुआरा रोज वहाँ आने लगा और मछली से बातें करने लगा और रोज मछली को आटे की गोलियां भी खिलाने लगा, जिसे खाकर मछली बहुत खुश हो जाती। और एक दिन मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से पूछा, तुम रोज उस घाट पर क्यों जाते हो? मछुआरे ने अपनी पत्नी को मछली की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो गई और बोली, अजी, तुम भी अजीब हो, तुम्हें पता भी है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, वह तो कोई जादुई मछली है, जाओ उससे कुछ मांगो। अब मछुआरे ने नदी में जाकर मछली को आवाज लगाई, मछली मछली इधर तो आ। मछली बाहर आती है और मछुआरे को कहती है, क्या है? मछुआरा कहता है कि मछली, क्या तू मेरे लिए घर बनवा देगी? मछली बोलती है, अच्छा, जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी जो पत्नी है वो घर में बैठी है। फिर क्या था, मछुआरे ने आकर देखा वहाँ पर एक नया घर बन गया था। फिर क्या था, मछुआरे की पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने मछुआरे को कहा, घर होने से क्या होता है जी, जाओ जाकर कुछ धन भी मांग लो। मछुआरा फिर नदी के पास गया और मछली को बोला, मछली मछली इधर तो आ। मछली बाहर आ जाती है और बोलती है, क्या है मछुआरे? मछुआरा कहता है, क्या तुम हमें धन दोगी? मछली कहती है, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुआरा घर आता है और देखता है उसके घर में खूब सारा धन था, लेकिन मछुआरे की पत्नी के लालच का कोई अंत ही नहीं था, उसे तो राजकीय वैभव चाहिए था। फिर क्या था, मछुआरे की पत्नी उस नदी पर पहुंच गई और मछली को आटे की गोलियां खिलाने लगी और मछली से बोली कि सूर्य चंद्रमा भी मेरी बात माने। यह सुनकर मछली को लगा कि मछुआरे की पत्नी का लालच बहुत बढ़ गया है, तो उसने मछुआरे की पत्नी को कहा, जा अपनी झोपड़ी में जाकर रह। फिर क्या था, लालच की वजह से जादुई मछली ने वापस मछुआरे को गरीब बना दिया। तो बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जो हमें मिला है हमें उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादुई मछली की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। मछुआरे का नाम था केशव दास। वह बहुत ही गरीब था। वह दिन भर मेहनत करता, तब जाकर उसे एक वक्त का खाना मिलता था। एक दिन मछुआरा रोज की तरह मछलियां पकड़ने नदी में जा रहा था। तभी नदी के पास छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ था।
उस पानी में लताओं के बीच एक छोटी मछली फंस गई थी और पानी के अंदर नहीं जा पा रही थी। उसने मछुआरे को देखकर पुकारा और कहा, मछुआरे ओ मछुआरे, जरा इधर तो आ। केशव दास ने इधर देखा उधर देखा, अरे अचानक से उसकी नजर पड़ती है और कहता है, क्या है? मछली कहती है, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, क्या तुम तो मुझे यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दोगे? मछुआरे ने लता से उसको अलग कर दिया और मछली को पानी में छोड़ दिया और मछली खूब पानी में तैरते हुए चली गई। कुछ दिनों बाद उस मछली ने फिर से मछुआरे को आवाज दी और कहा, मछुआरे ओ मछुआरे। तभी केशव दास उसके पास गया और फिर बोला, क्या है मछली? तब मछली बोली, मैं तेरी तरह चल तो नहीं सकती, क्या तुम मुझे बड़ी नदी में छोड़ दोगे? तो मछुआरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह एक बड़ा सा टब ले आया और उसमें पानी डालकर मछली को उसमें रखकर नदी में छोड़ आया। मछली खुश होकर तैरने लगी और कुछ दिन बाद उस मछली ने मछुआरे को फिर से आवाज लगाई, ओ मछुआरे तू रोज यहाँ आकर मेरे साथ बातें किया कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुआरे ने मछली से कहा, ठीक है, और मछुआरा रोज वहाँ आने लगा और मछली से बातें करने लगा और रोज मछली को आटे की गोलियाँ भी खिलाने लगा, जिसे खाकर मछली बहुत खुश हो जाती। और एक दिन मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से पूछा, तुम रोज उस घाट पर क्यों जाते हो? मछुआरे ने अपनी पत्नी को मछली की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो गई और बोली, अजी तुम भी अजीब हो, तुम्हें पता भी है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, वह तो कोई जादुई मछली है, जाओ उससे कुछ मांगो। अब मछुआरे ने नदी में जाकर मछली को आवाज लगाई, मछली मछली इधर तो आ। मछली बाहर आती है और मछुआरे को कहती है, क्या है? मछुआरा कहता है कि मछली, क्या तू मेरे लिए घर बनवा देगी? मछली बोलती है, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी जो पत्नी है वो घर में बैठी है। फिर क्या था, मछुआरे ने आकर देखा वहाँ पर एक नया घर बन गया था। फिर क्या था, मछुआरे की पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने मछुआरे को कहा, घर होने से क्या होता है जी, जाओ जाकर कुछ धन भी मांग लो। मछुआरा फिर नदी के पास गया और मछली को बोला, मछली मछली इधर तो आ। मछली बाहर आ जाती है और बोलती है, क्या है मछुआरे? मछुआरा कहता है, क्या तुम हमें धन दोगी? मछली कहती है, जा तेरे घर में धन हो गया। मछुआरा घर आता है और देखता है उसके घर में खूब सारा धन था, लेकिन मछुआरे की पत्नी के लालच का कोई अंत ही नहीं था, उसे तो राजकीय वैभव चाहिए था। फिर क्या था, मछुआरे की पत्नी उस नदी पर पहुंच गई और मछली को आटे की गोलियां खिलाने लगी और मछली से बोली कि सूर्य चंद्रमा भी मेरी बात माने। यह सुनकर मछली को लगा कि मछुआरे की पत्नी का लालच बहुत बढ़ गया है, तो उसने मछुआरे की पत्नी को कहा, जा अपनी झोपड़ी में जाकर रह। फिर क्या था, लालच की वजह से जादुई मछली ने वापस मछुआरे को गरीब बना दिया। तो बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जो हमें मिला है हमें उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए।